मेरा रक्षाबंधन। भाई साहब, भाई साहब रुकिए, एक बार मेरी बात सुनिए। खबरदार, इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? माफ कीजिए आंटी जी, रसाल अब मेरी बीवी है, इस घर की चाकर है। ये कोई भी उसके साथ कैसे भी पेश आए और मैं उसे बर्दाश्त कर लूं। तो समझा दो अपनी बीवी को, इस हवेली पर कलंक का टीका लगाने के बाद हवेली में कदम रखने की इजाजत नहीं है उसे। आज भाई दूज है और रसाल अपने भाई से मिलना चाहती है, सिर्फ इसलिए यहाँ आई। बड़ी मीम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस भाई दूज की पूजा करने दीजिए, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। भागी तू अठे से और थारे भाई ने कलजे पे छुरी मारी मारी कणक के। होली सूरत तेरी चरित्र। अरे तेरे चक्कर में उस पर जान छिड़कने वाला भाई तुझे मुंह मोड़कर चला गया, तुझे बात तो तभी समझ में आ जानी चाहिए और उल्टे पांव यहां से लौट जाना चाहिए। मासा, घर के नौकरों को बुलाइए और ये आस्तीन के सांपों की जोड़ी को इस घर से बाहर निकाल के फेंकिए। ऐसे धोखेबाजों की यहाँ कोई जगह है ही नहीं। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, निकलो अब यहाँ से। बस तमाशा तो तुम सब लोगों ने लगा रखा है, आज भाई दूज है और एक बहन अपने भाई से मिलने आई है, उसे रोकने का, उसकी पूजा में अड़चन डालने का हक कहां से मिल गया तुम सबको? और एक बात, रसाल ने के किया के नहीं, ये सवाल पूछने का अधिकार अगर किसी ने है तो वो शिवराज ने। आज अगर यो छोरी अपने भाई से मिलने आई है तो ये उससे जरूर मिलेगी। मैं देखूं हूं कौन रोके है इसने। रसाल जा, सॉरी जा, मिल ले अपने भाई से, वो भी इस समय उतनी ही तकलीफ में है लाडो जितने दर्द में तू है। मिर्ची न लगे तो एक बात बोलू जीजो सा, कणक भागी थी जब आपने उसको जिंदगी भर की सजा सुना दी और उस शिवा के मत्थे मंड दिया, और आज जब ये छोरी भागी है तो आप इसको पुचकार रहे हो अपने खून के साथ, ऐसा सौतेला व्यवहार। ऐसी बात सुन के कलजे पे छुरी नहीं चलेगी तो और क्या होगा जीजो सा? मैंने आज तक न्याय करने में दो आंख नहीं की है वृंदा, फिर चाहे वो मेरा सगा हो या सौतेला, मैं जानू हूं मैं के कर रहा हूं। राणा बाबू साहब, आपने मुझे समझा, उसके लिए आपका आभार है। जा लाडो जा। तो रुक, बात करनी है थारे से। भाई साहब दरवाजा खोलिए ना। आपकी रसाल बाहर खड़ी है, दरवाजा खोलिए ना भाई साहब। चली जा यहाँ से रसाल, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था ना वो टूट चुका है, और तेरे कुछ भी करने से वो तुम्हारा ना जुड़ेगा, जा यहाँ से। नहीं भाई साहब, ये रिश्ता कभी ना टूट सकता। जैसे सूरज से उसकी रोशनी ना हट सकती, फूल से उसकी खुशबू, ऐसे ही शिवा से उसकी रसाल कभी ना दूर हो सकती। भाई साहब दरवाजा खोलिए। रसाल अब यहाँ पिघलने के लिए वो दिल ही ना रहा,
जिसमें तू रहा करती थी, इसलिए मारी बात मान और चली जा यहाँ से। दोबारा कभी लौट के ना आइयो तू। आप डांटिए, आप चिल्लाइए, मुझे मारिए, जो सजा देनी है दीजिए, ऐसे ना करिए भाई साहब। एक बार दरवाजा खोलिए। जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी आपसे मिले बिना भाई साहब। कुछ बात है भाई साहब जो आपको बताना बहुत जरूरी है। कोई बात ना करनी है मुझे तुझसे। देखिए आपकी बहन बार आपका इंतजार कर रही है। जा यहाँ से रसान, जा। भाई साहब आपके हाथ छोड़ती हूँ, एक बार बात कर लीजिए। अंकल मैंने जो कुछ भी किया ना उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि रसाल को अपने साथ भगा ले जाऊं। माफी, माफी मांगना चाहता है तुम्हारे से? अरे शिवा जैसे भाई को उसकी बहन से अलग करने के लिए तो ईश्वर थाने माफ ना करे, और तू तुम्हारे से माफी की उम्मीद रखता है? अच्छे घर के छोरे किसी और के घर की इज्जत और रिश्तों से कभी नहीं खेलते। और थारी यह हरकत बता रही है कि ना तो तू किसी अच्छे घर का है और ना किसी अच्छे खानदान का। अंकल मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी कहने का हक दे दिया है। कम से कम मैं आपकी बेटी से तो अच्छा ही हूँ ना, कि उसने एक ऐसे लड़के से प्यार किया जो उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता था। और मैंने रसाल से शादी की है, उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। तो कोई एहसान किया है तूने ये करके? एक बात बता, कैसे लोग हैं थारे ताऊ जी और ताई जी जिन्होंने बड़े होने का फर्ज ना निभाया, इतनी शराफत ना दिखाई कि थारी इस करतूत के बाद फोन करके मारे से या शिवा से माफी मांगे? जब वो मारे घर मिलने आए थे ना, तब मैंने लगा था बहुत ही शरीफ किस्म के भले लोग हैं, लेकिन ना, उनको पहचानने में मारी गलती होगी। दिख रहा है कि थारे लाड प्यार के आगे किसी और के घर की इज्जत उनके लिए कोई मायने ना रखती। एक बात मारी याद रखना आप छोरे, राणा रतन सिंह थारी इस हरकत ने कभी नहीं भूलेगा। बहुत जल्द आऊंगा थारे ताऊ जी और ताई जी से मिलने, क्योंकि अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि उनके खून और पानी में फर्क है कि नहीं। अम्मा का गुस्सा और थारा फितूर दोनों हमारी समझ के परे हैं। अरे अब क्यों हंस रही है, खुरा बात चल रही है थारे दिमाग में है? छोरी एक तो मारे को यो बात समझ में नहीं आई कि तूने रसाल को समर के साथ उसके भाई जाके घर पे क्यों भेज दिया? अरे वो तीखी मिर्ची है, वहां जाके सब कुछ उगल देगी। और रतन सिंह समर पे गुस्सा करेंगे? रे मारे मुंगी, 15 साल से लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, मजा तो तब आएगा ना जब आमने सामने खुलकर वार करेंगे। कुछ छुपाना नहीं, कुछ लुकाना नहीं, सब आमने सामने। ये मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह है मुंह, जिसे दुश्मन देख तो पाएगा लेकिन भेद ना पाएगा। चकोरी ये सब बातें ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में ना, असल जिंदगी में अगर मुखौटा उतर गया ना, खतरे से खाली ना है। खतरों से खेलने की तो मेरी आदत है ना मुंह, मैंने बहुत ही सोच समझ के ना हर खाने में गोटी डाली है जिसको कोई काट ना सकता। और कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। कहते हैं बाप का कर्जा और दुश्मनी बेटे को विरासत में मिलती है। अब शिवराज से तो खुलकर आमना सामना होगा, और देखना इस बार भी ये खेल हम ही जीतेंगे, क्योंकि हुक्म का इक्का रसाल हमारी मुट्ठी में है। शिवा चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, से हारेगा। और इस बार मैं शिवा को खेलने दूंगी, क्योंकि जब मैं उसे खेलने दूंगी उसकी सूझबूझ, उसके तरीके, उसका दिमाग
सब समझने में मिलेगा ना, क्योंकि दुश्मन भी इस बार काफी दमदार है। 15 साल से जो खेल अधूरा छूट गया है ना मोन, अब उमेश सिंह के जो ये बचे कुचे अंश हैं, इसका नाम और निशान हम मिटा के छोड़ेंगे। आए मूंगी, आए मरी भाई जा, हम हर साल भाई दूज साथ में मनाते हैं ना, मुझे एक बार आरती करने दीजिए। दरवाजा खोलिए ना भाई साहब, देखिए आपकी रसाल है, एक बार दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। प्रार्थना कर कनक कि शिवा कभी दरवाजा न खोले। अगर ये दरवाजा खुल गया ना तो रसाल अपना मुंह खोल देगी और उसे सच बता देगी तेरे भागने का, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा, प्रार्थना कर। बड़ी मेम साहब, धोबी आया है, आपके कमरे से स्त्री के लिए कपड़े दे दूं? हाँ हाँ दे 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 दे, और एक काम कर, मेरी अलमारी में भी कपड़े रखे हैं वो भी दे देना। जी मेम साहब। आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दें, क्योंकि पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। भाई तो दरवाजा खोलिए ना, खोलिए ना दरवाजा। बहुत हुआ तुम्हारा ऐसे भीख मांगना, मिन्नतें करना, ऐसे गिड़गिड़ाना। अगर ताई जी का आदेश ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाने की गलती कभी ना करता। यहाँ तुम्हारी फीलिंग्स की किसी को कोई कदर नहीं है, अब चुपचाप से मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, भाई साहब। रसाल। यो क्या कर बैठा मैं? रसाल, रसाल, लड़ो, लड़ो, रुक जा। रसाल रसाल, बस बहुत मिन्नत कर ली तुमने, और अगर तुम्हारे भाई साहब को इस बात का एहसास देर से हुआ तो ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बीवी किसी के सामने झुके ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रसाल, आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, मैं आपकी बीवी होने से पहले अपने भाई की बहन हूँ। गाड़ी चला तेज। भाई साहब, आपकी रसू आपकी सामने खड़ी है, आप उससे ना मिलेंगे? आपकी रसाल बाहर खड़ी है, दरवाजा खोलिए ना भाई साहब। लड्डू मुझसे मिलने आई और मैं इतना गुस्सा हो गया कि उससे मिला तकना, वो भी आज भाई दूज के दिन, जिस दिन हर भाई अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, उस दिन मेरी बहन यहाँ से रोते हुए गई है। बहुत बुरा किया मैंने लाटो के साथ।
भैया सारे कपड़े। नीले कलर का सलवार सूट पहना था और चुनरी थी टिकली वाली। ये कपड़ा किसका है? ये तो छोटी मेन साहब जी का कपड़ा है। शिवा, यो कपड़ा आपका है? शिवा मेरी बात सुन। जवाब दो कड़क। आपका कपड़ा है ना? हाँ, ये मेरा कपड़ा है। हाँ, मैं उस दिन फिर से घर से भागी थी। क्योंकि जिंदगी भर एक चाकर की बीवी होने का दाग बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे शिवा। इसलिए उस दिन जब समर ने मुझे कनाडा जाने का ऑफर दिया तो मैं तेरे मेरे रिश्ते से आजाद होकर भागना चाहती थी, जीना चाहती थी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। पर उसने मुझे धोखा दिया। वो कनाडा का ऑफर उसकी चाल थी तेरी बहन रसाल से शादी करने के लिए। समरसा के ताई ताऊ जी का नाम है चकोरी और मूंग सिंह। मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा। अब जो भी गलतियां हुई है ना, उन्हें ठीक करने में आ रहा हूं तेरे पास। उसने रसाल के सामने शर्त रखी कि अगर वो उससे शादी करेगी तो वो सबको ये नहीं बताएगा कि मैं एक बार फिर से घर से भाग गई हूँ। और रसाल ने तेरी और खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसके सामने घुटने टेक दिए। उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई, मुझे वहां से भेज दिया। कनक, मतलब मारा शक सही था। वो मंदिर, बगीचा, वो पूरी कहानी झूठ थी तारी। तुम घर से भागी थी ना? पर शिवा, झूठ इसने नहीं, मैंने बोला था। मैंने उसे मुंह बंद रखने के लिए कहा था। के? आपसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद कोनी थी पूर्णिमा जी? इसकी गलतियों को ढकने का नतीजा कितना भारी पड़ा है अंदाजा है आपको? तो और क्या करती मैं? हा, आपने मेरे बच्चों के साथ जाती शुरू कर दी। अरे, इस नौकर को मेरी कनक के गले में बांध दिया। हा? और ये नौकर सबके सामने मेरी बेटी पर जुल्म कर रहा है और आप इसे डांटने के बजाय मेरी बेटी पर चीख रहे हैं। आपको अपने किए पर अफसोस नहीं हो रहा कि आपने इसे अपना दामाद बनाया? अगर ये बात आपसे अब कहीं नहीं जा रही है तो मुझे कहने दीजिए ना कि एक पालतू कुत्ते को जब सोफे में बिठा दिया जाता है तो वो घर का मालिक नहीं हो जाता। और अगर वो कुत्ता मालिक को ही चढ़कर काटने लगे तो उसका अंजाम क्या होता पता ना आपको? और शिवा, तू खबरदार जो मेरी बेटी के साथ दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो।
मिथुन रतन साह को अपनी बातों से बरगला सकता है, मुझे नहीं। मेरी बहन ने मेरा घर टूटने से बचाने के लिए खुद को तोड़ दिया। अपनी खुशियां, अपनी पूरी जिंदगी सब बर्बाद कर दी उसने। तेरी बहन ने जो किया उसके किए का इल्जाम तुम मुझ पे बिल्कुल डालने की गलती मत करना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए भागी थी। तेरी बहन को मैंने नहीं बोला था कि मेरे पीछे आए, वो खुद से आई थी। मेरे लिए नहीं, तेरे लिए किया उसने सब कुछ। मैंने उससे कोई विनती ना की थी कि रसाल मेरी बदनामी के बदले में तू खुद कुर्बान हो जा। वो उसका खुद का फैसला था महान बनने का, और क्या पता ये ढाल बनने की आड़ में तेरी बहन ने मौका देखा और उड़ गई अपनी मनमानी करने के लिए। कनक, बहुत हो गया, बस चुप हो जा और चली जा यहां से। आप अपनी बेटी की तकलीफ समझने के बजाय इस जानवर का साथ दे रहे हैं। देखिएगा, एक दिन आपको अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। शिवराज, मैंने समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, पर इन सब की तरफ से मैं तुम्हारे से माफी मांगू। मरी लड्डू, मारी शादी ना बिगड़ जाए इसलिए खुद ही बिखर गई। और उसने उफ तकना की, कैसा भाई निकला मैं जो अपनी बहन की तकलीफ ही ना समझ पाया। भाई दूज की थाल लेकर दरवाजे पर बैठी रही, विनती करती रही मारे से मिलने के लिए, और मैं पत्थर दिल। के किया मैंने, मैंने उससे मुंह ही मोड़ लिया, रिश्ता तक तोड़ने की बात कह दी। अपनी लाटो पे एक बार तरस क्यों ना आया तुझे, क्यों तरस ना आया? ये लड्डो माफ कर दे मन्ने, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे हाथ तो, बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं तो। समरसा के ताई ताऊ जी का नाम है चकोरी और मूंग सिंह। मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा, अब जो भी गलतियां हुई है ना उन्हें ठीक करने में आ रहा हूं तेरे पास। समरसा के ताई ताऊ जी का नाम है चकोरी और मूंग सिंह। मैं तुझे कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा, अब जो भी गलतियां हुई है ना उन्हें ठीक करने में आ रहा हूं तेरे पास।